पौड़ी से अंकिता भंडारी 2012 में छावला गैंगरेप की शिकार हुई मृतिका किरण नेगी को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली से निकाली गई न्याय यात्रा पौड़ी पहुंची। इस यात्रा में किरण नेगी के पिता और अंकिता भंडारी की मां भी शामिल हुए। न्याय यात्रा मातृभूमि सेवा पार्टी निकाल रही है। मां ने कहा कि अब तक आरोपियों का नार्को टेस्ट नहीं हुआ है कि अंकिता को न्याय कब मिलेगा। वहीं अंकिता की मां ने कहा कि उन्होंने जिला सत्र न्यायालय में एक अर्जी लगाई थी लेकिन उनकी अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये मामला जिला सत्र न्यायालय में चले लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किरण नेगी के पिता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला है लेकिन बेटी को न्याय दिलाने के लिए वो प्रयास करते रहेंगे। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। अभी तक तो नार्को टेस्ट भी नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इनका नार्को टेस्ट होते ही ना, और जो भी आई पी है इनको भी इन्होंने छुपा दिया है, इस पर भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, केस भी मतलब यहाँ पौड़ी ट्रांसफर हो, क्योंकि हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम कोडर जा सके। हम आर्थिक स्थिति और मेरे पति भी बीमार हैं और हमें उन गुंडों से भी खतरा है वहाँ कोडर में, इस वजह से हम अपना केस यहाँ ट्रांसफर करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट से अभी हमें जो है राहत नहीं मिली, क्योंकि जब तक हमें ट्रिब्यूटेशन तो डाल रखी है हमने, और जब तक ये दरिंदे दो बाहर घूम रहे हैं, ये अंदर नहीं जाए तब तक जो है दहशत तो हमारे लिए भी है और जितने भी बहन बेटियां हैं उनके लिए भी दहशत है, क्योंकि उनमें से एक दरिंदे ने बाहर जो है एक ऑटो वाले का हत्या कर दिया, लूटपाट किया उसके साथ में पहले, फिर उसकी हत्या कर दी है। आप सभी जानते हैं कि जो छावला कांड हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया जो बिल्कुल न्याय के विपरीत था, और हम उसी न्यायालय से गुहार कर रहे हैं कि इस वर्डिक्ट पर रिव्यू दोबारा से किया जाए और जो न्याय है वो दिया जाए। और इसी की अर्जी हम गोलजू महाराज जी के यहाँ लगा रहे हैं कि उन लोगों को सद्बुद्धि दे ताकि वो न्याय का न्याय को जाने और न्याय दे पाए।